अरे बेटा सुन। जी सर। कल आप आपके मम्मी पापा को लेकर आना, नहीं तो क्लास में बैठने नहीं दूंगा। और उनको बोलना कि 3 महीने की फीस भी भरे। ठीक है सर। ये कहाँ जा रही है? मम्मी पापा उठो ना, सर ने स्कूल में बुलाया है, अगर आप नहीं आए तो मुझे स्कूल में नहीं बैठने देंगे। उठो ना मम्मी, उठो ना पापा, सर मेरे मम्मी पापा को उठा दो ना। ये वीडियो पर कितने स्टार दोगे? हमारे घर की लाइट तभी जाती है जब हमारे फोन में बैटरी कम होती है। गलती चाहे कोई भी हो, मोबाइल पे ही आकर खत्म होती है। पढ़ाई से हटकर पैशन को करियर बनाने के बारे में सोचें तो कभी कभी घर वाले ही साथ नहीं देते हैं। कपड़ा हमें कोई भी पसंद आ जाए, प्राइस टैग देखकर ही लेते हैं। रिश्तेदार जाते हुए पैसे दे रहे हो तो मम्मी को देखकर मना ही करना पड़ता है। कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स का सिलेबस से कुछ लेना देने नहीं होता, फिर भी पूरा करना पड़ता है। रात को नींद आ रही हो और उस वक्त ना सोए तो पुराने सारे दुख याद आ जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। मोटिवेशन हमसे भले ही जितना मर्जी ले लो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के टाइम हमें कोई बात याद नहीं आती। समोसे में काजू निकल जाए तो बहुत स्पेशल फील होता है। हमारी आंखें नहीं रोती, हमारा दिल रोता है। न जाने कितनी बार टूटता है, एक ही तो दिल है। हमेशा महसूस होता है कि मिडिल क्लास होना कितना मुश्किल है। दोस्तों, एक गरीब आदमी हर दिन गुब्बारे पर लिखता कि हे गॉड, मेरे लिए 50,000 रुपए भेज दो। और इतना लिखकर वह गुब्बारे को हवा में उड़ा देता। पास ही में एक पुलिस स्टेशन था। जब गुब्बारा थाने के ऊपर से गुजरता तो पुलिस वाले उस गुब्बारे को पकड़कर उसे पढ़ते और फिर उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिस वालों ने सोचा, क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए। सभी पुलिस कर्मियों ने मिलकर 25,000 रुपए इकट्ठा किए और उस गरीब आदमी को उसके घर जाकर दे आए। अगले दिन जब फिर पुलिस वालों ने गुब्बारा रोका तो वह देखकर चौंक गए, क्योंकि गुब्बारे पर लिखा था कि गॉड, जो आपने पैसे भेजे थे वे मुझे मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ पैसे नहीं भेजने चाहिए थे, क्योंकि वह 25,000 रुपए खा गए।